सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल तुलिस ब्यूटी वर्ल्ड को एंड प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक एलोवेरा जेल एंड वो है गुड वाइब्स की एलोवेरा जेल एंड मैं आज इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखती है, आप देख सकते हो एंड इस पर लिखा है कि गुड वाइब्स एलोवेरा जेल एंड इसका पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। इसका जो कैप है वो गोल्डन कलर की है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है एंड ये एक ग्लास कंटेनर में आती है जो कि बहुत ही अच्छी बात है एंड इस पर आपको प्रोडक्ट मिल रही है 50 ग्राम की एंड इसका कॉस्ट है 175 एंड आप इस प्रोडक्ट को 2 साल तक यूज़ कर सकते हो। बैक साइड पर आपको इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट मिल जाएंगे। जब आप इस प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स आप चेक करोगे तो आपको दिखेगी कि इस पर पैराबिन है। जी हाँ, इस पर पैराबिन है। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इस पर पैराबिन होगी, गुड वाइब्स की एलोवेरा जेल पर पैराबिन होगी। सो इस चीज ने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड की है। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि इस पर पैराबिन है। सो या एंड इस पर लिखा है कि हाउ टू यूज, मतलब आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एंड अभी हम देखेंगे इसका इनर पैकेजिंग। सो आप इसको ओपन करोगे एंड आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये क्लियर जेल फॉर्म में आती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो ये क्लियर जेल फॉर्म में है। अभी हम इसको ब्लेंड करेंगे। सो इस एलोवेरा जेल की कंसिस्टेंसी बहुत ही थिक भी नहीं है एंड बहुत ही थिन भी नहीं है। सो या एंड ये मेरी स्किन पर एब्जॉर्ब हो गई है एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बहुत ही अच्छी भी नहीं लगी एंड बहुत बुरी भी नहीं लगी, मतलब ठीक ठाक है इसका फ्रेग्रेंस। इस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ है कि आप इस एलोवेरा जेल को अपनी फेस पर एंड अपनी हेयर्स पर एंड आप किसी भी इंग्रेडिएंट्स पर आप इसको मिक्स करके लगा सकते हो। इस एलोवेरा जेल में एलोवेरा के साथ साथ आपको ग्रीन टी, ग्लिसरीन, आंवला एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको इंग्रेडिएंट्स मिलेगी। मैंने सोचा था कि ये बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही प्योर एलोवेरा जेल होगा, बट वो नहीं है एंड मुझे ये उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी ये नहीं है, मुझे ये बहुत ही अच्छा नहीं लगा। सो ओवरऑल ये प्रोडक्ट उतनी अच्छी नहीं है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, बट मैंने जब इस प्रोडक्ट को फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया था तब मैंने इसका इंग्रेडिएंट नहीं चेक किया था क्योंकि मुझे पता था कि ये पैराबिन प्रोडक्ट है, मतलब पैराबिन प्रोडक्ट होगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है, मतलब मेरी फेस पर ये सूट नहीं किया है एंड इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो तो आप सोच सकते हो, मैंने इसीलिए इसका फुल रिव्यू मैंने आपके साथ शेयर किया ताकि आप भी जान सको इस प्रोडक्ट के बारे में। आप सोच सकते हो कि आप इसको ट्राई करना चाहोगे या नहीं एंड ऑलरेडी अगर आपके पास ये प्रोडक्ट है, ये एलोवेरा जेल है एंड तो अगर आपके फेस पर ये सूट नहीं करती है सो आप इस प्रोडक्ट को अप्लाई करना बंद कर दीजिए अपनी फेस पर, या आप इसको अप्लाई मत कीजिए एंड मैं इस प्रोडक्ट को दोबारा परचेस नहीं करूंगी इस प्रोडक्ट को। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो मेरी इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूले एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साइड में एक छोटी सी बेल आइकन होगी उसको प्रेस कर दीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो। सो आज के लिए इतना सा ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पर। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, bye, love you all.